हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं NIT सिलचर की। बेसिकली NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, जो कि असम में लोकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कॉलेज है ये एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज था अप टू 1967 में, जब ये स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड देन 2002 में इसे NITs की टॉप लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें टॉप 31 NITs ऑफ इंडिया को काउंट किया जाता है अंडर द एक्ट, NIT एक्ट 2007। बेसिकली NIT सिलचर जो है इसे डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड ये UGC AICTE अप्रूव्ड है। ये जो पूरा कॉलेज है ये 625 एकर्स में इस्टेब्लिश्ड है एंड यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD के कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, जिससे आप अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर सकें। यार, कोर्सेज की बात आई है तो स्टार्टिंग विद अंडर ग्रेजुएशन, अगर आप UG के कोर्सेज करना चाहते हैं तो BTech में आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, अराउंड 6 ऑप्शन, जिससे आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट, अपने मन चाहे स्पेशलाइजेशन में स्टडी कर सकते हैं। एंड इसकी एलिजिबिलिटी भी नोट डाउन कर दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपना 10+2 यानी कि 12th क्लास कंप्लीट करनी होती है विद मिनिमम 75% एग्रीगेट। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम की यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की, तो MTech करने के लिए आपको BTech के बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी होती है किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 50% एग्रीगेट। अगर आप MBA करना चाहते हैं आगे, तो आपको अपना बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करके मिनिमम 50% एग्रीगेट स्कोर करना होता है। वहीं अगर आप MSc स्टडी करना चाहते हैं तो आपका साइंस से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 50% एग्रीगेट। वहीं अगर आप PhD लेवल स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो भी कैंडिडेट है उन्हें 17 ईयर्स ऑफ स्टडी एजुकेशन कंप्लीट करना होता है, विच इज बेसिकली 10+2+3+2, दैट मीन्स 12th क्लास एंड देन योर ग्रेजुएशन, बैचलर्स डिग्री एंड देन योर मास्टर्स डिग्री, उसके बाद ही आप PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि एक NIT लेवल कॉलेज है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं एंड डेफिनेटली नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत मायने रखती है। अगर आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं BTech के लिए, तो मैं बता दूँ आपके पास 635 सीट्स अवेलेबल हैं एंड जितने भी इंडियन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट्स अलॉट होती है JEE मेन एग्जाम्स के थ्रू। सीट अलॉट करती है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो कि फाइनली आपकी कॉलेज में सीट अलॉट करती है। वहीं अगर आप MBA के लिए जा रहे हैं तो आपको 60 सीट्स अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे CAT, MAT, CMAT के स्कोर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं एंड फाइनल सिलेक्शन होता है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे। अगर आप MTech के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपके पास 298 सीट्स अवेलेबल है एंड MSc करना चाहते हैं तो 75 सीट्स का ऑप्शन होता है एंड इन दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो गेट के एग्जाम के थ्रू एक्सेप्ट की जाती है और यहाँ पे सीट्स अलॉट करती है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ऑफ MSc एंड MTech। अगर आप PhD लेवल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन टेस्ट होता है, सेकंड इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनली इन सभी के बेसिस पे जो चेयरमैन है वो यूनिवर्सिटी के, वो आपको सीट्स अलॉट करते हैं। एंड यार, एडमिशन की बात है ही तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की भी बात आती ही है। सो यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स हैं ST NSC कैटेगरी में, आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप टू स्टडी योर इंजीनियरिंग कोर्सेज। एंड डेफिनेटली अगर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं एंड हमारे काउंसलर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं एंड वो आपको बताएंगे कि आपको स्कॉलरशिप्स एंड एडमिशन्स में क्या क्राइटेरिया है एंड कैसे आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। टॉकिंग अबाउट BTech प्रोग्राम, जो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, बेसिकली 4 ईयर्स का फुल टाइम प्रोग्राम है एंड अप्रॉक्सीमेटली इसकी कोर्स की फीस फर्स्ट ईयर के लिए 1,40,000 के करीबन होती है एंड यहाँ पे मोर ओवर 6 सीट्स अवेलेबल हैं आपकी स्टडीज के लिए। ये स्ट्रीम्स हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि JEE मेंस के एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। कमिंग टू MBA, यहाँ पे 2 ईयर्स का फुल टाइम प्रोग्राम है एंड अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 रुपीज फीस है फर्स्ट ईयर की एंड 3 मेजर स्ट्रीम्स यहाँ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जहाँ CAT, MAT एंड CMAT के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। वहीं मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 2 ईयर्स का फुल टाइम प्रोग्राम है एंड अप्रॉक्सीमेटली 91,000 फर्स्ट ईयर की फीस है एंड ओवर 16 डिफरेंट आपके पास स्ट्रीम्स अवेलेबल है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन अपनी कम्प्लीट कर सकते हैं। वहीं MSc की अगर बात करें मास्टर्स ऑफ साइंस की, तो अप्रॉक्सीमेटली 37,000 रुपीज़ फीस है फर्स्ट ईयर की
एंड ये 2 years का फुल टाइम प्रोग्राम है जिसमें 3 major streams अवेलेबल हैं, अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये जो मेजर स्ट्रीम्स हैं आप यहाँ से स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर आप अपना एडमिशन यहाँ प्लान कर रहे हैं, एजुकेशन प्लान कर रहे हैं NIT सिलचर से, तो डेफिनेटली यार कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट ये जरूर चाहेगा कि उसको पूरी जानकारी हो फी स्ट्रक्चर की. स्टार्टिंग विद बीटेक प्रोग्राम्स आपका जो खर्चा है वो 37,000 rupees से 45,000 rupees तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्ट्रीम्स. अगर एमटेक प्रोग्राम्स की बात की जाए तो जो हॉस्टलर्स रहते हैं उनके लिए करीबन 55,000 rupees का खर्चा आएगा, वहीं जो नॉन हॉस्टलर्स हैं उनके लिए ये खर्चा करीबन 51,000-52,000 तक का हो सकता है. वहीं MSc वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो जो हॉस्टलर्स हैं यानी यहाँ पे जो हॉस्टल्स में रहते हैं तो उनका खर्चा करीबन 28,000 तक का रहेगा. वहीं नॉन हॉस्टलर्स के लिए ये 24,000-25,000 तक वैरी कर सकता है. अगर MBA वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो करीबन 90,000 तक का खर्चा होगा जो हॉस्टलर्स है, एंड नॉन हॉस्टलर्स के लिए ये 87,000-88,000 rupees तक का खर्चा हो सकता है मंथली. इतने सारे क्राइटेरिया स्टडी करने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और बचता है, प्लेसमेंट. प्लेसमेंट के अलावा आपको यहाँ पे रिव्यूज जो स्टूडेंट्स ने खुद दिए हैं, जेन्युइन रिव्यूज, आपको प्लेसमेंट के अलावा अकोमोडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी अकोमोडेशन, हॉस्टल लाइफ, फैसिलिटीज, सब कुछ के बारे में मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. सो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए उसमें इंक्लूडेड है ब्रह्मोस, कैटरपिलर, इंडियन ऑयल, आइडिया, IBM जैसी कंपनीज. एंड यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज 4-5 lakh rupees पर एनम तक रहा है, वहीं हाईएस्ट सैलरी पैकेज 17 lakh rupees पर एनम तक गया है. एंड यार क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है NITs के बारे में, सो वो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाती है. अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके क्वेश्चन की क्वेरीज या डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये जो गिवन नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस कॉलेज का फुल PDF, जहां आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन PDF फॉर्म में मिल जाएगी. यार अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स हैं या उसके अलावा किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे. टिल देन यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल.